क्लोर क्षार अभिक्रियाओं से रिलेटेड हमारा चौथे नंबर का प्रश्न है, उसका नाम वो प्रश्न ये है कि क्लोरीन के उपयोग लिखिए, कि क्लोरीन जो हमारे क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्लोरीन गैस बनी थी उसके क्या काम आती है वो। तो देखेंगे कि क्लोर क्षार अभिक्रिया के उप उत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हुई थी, और इस क्लोरीन गैस के जो उपयोग है देखते हैं हम, रोगाणुनाशी है, ठीक है, रोगाणुनाशी है, तो इसके इसके लिए जल शुद्धिकरण के तौर पर काम में आती है। जल शुद्धिकरण का मतलब होता है जैसे कि पानी की बड़ी बड़ी टैंकें होती हैं, टंकियाँ होती हैं, उनमें क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दी जाती है तो कीटाणु वगैरह सारे के सारे मर जाते हैं, या स्विमिंग पॉन्ड होते हैं वहाँ पर भी क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर वो सारे के सारे जल शुद्धिकरण हो जाता है, कीटाणु वगैरह मर जाते हैं। एक दूसरा, कीटनाशी के रूप में भी काम में आती है, जितने भी बहुत सारे कीटनाशी बनाए जाते हैं, पीड़कनाशी कीटनाशी वगैरह बनाई जाती हैं, जो भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं उनमें क्लोरीन गैस काम में आती है। तीसरा आता है उपयोग पीवीसी, जो पीवीसी प्लास्टिक है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड बोलते हैं इस प्लास्टिक को, पीवीसी प्लास्टिक बनाने के काम में आती है। इसके अलावा सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बनाने के काम में क्लोरीन गैस आती है। एक बार दोबारा देख लेते हैं हम, सबसे पहले जल शुद्धिकरण के तौर पर काम में आती है, इसके अलावा पीवीसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के काम में आती है, तीसरा है कीटनाशी के तौर पर काम में आती है। अगर बाय प्रोडक्ट क्लोर क्षार अभिक्रिया में बाय प्रोडक्ट के रूप में एक चीज़ और प्राप्त हुई थी हमको, वो थी हाइड्रोजन गैस। हम देखते हैं हाइड्रोजन गैस क्या काम में आती है, तो ये परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हाइड्रोजन गैस के उपयोग लिखिए, हाइड्रोजन गैस का पहला उपयोग देखते हैं हम, ईंधन के रूप में काम में आती है, हाइड्रोजन गैस एक ईंधन के रूप में काम में आता है। दूसरे, ये मार्गरीन, मार्गरीन को हम बोलते हैं कृत्रिम मक्खन, जो आर्टिफिशियल बटर होता है, जैसे बहुत सारे होटल ढाबों पर आर्टिफिशियल बटर लगा देते हैं, जो पिज्ज़ा वगैरह जाते हैं ना उनमें ओरिजिनल मक्खन नहीं लगता, ज़्यादातर तो यही मार्गरीन ही लगता है, तो आर्टिफिशियल जो मक्खन है वो बनाने के काम में हाइड्रोजन गैस काम में आती है। इसके अलावा उर्वरक, उर्वरक जब बनता है, फर्टिलाइज़र बनता है, तो उसमें अमोनिया बहुत ज़रूरी होती है, तो उस अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस काम में आती है। हाइड्रोजन गैस के हमने तीन उपयोग पढ़ लिए, पहला ये ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है, दूसरा ये मार्गरीन के रूप में प्रयुक्त होती है मतलब कृत्रिम मक्खन के तौर पर, तीसरा ये उर्वरक के लिए अमोनिया बनाने के काम में आती है। इसके अलावा एक हमारा प्रश्न और आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्लोर क्षार अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था वो क्या काम आता है, उसका उपयोग भी हमें याद करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आज का जो लास्ट प्रश्न है, आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 6, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग लिखिए। तो देखिए आप, जो क्लोर क्षार अभिक्रिया होती है, क्लोर क्षार अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद, जो मेन प्रोडक्ट है, मुख्य उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है हमको, बोलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या काम आता है, इसके तीन उपयोग दे रखे हैं किताब में। सबसे पहले धातु और जो भी मशीनरी चीज़ें जो भी होती हैं वहाँ पर ग्रीस लग जाती है, तेल लग जाता है, तो उन ग्रीस और तेल को हटाने के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड काम में लिया जाता है। इसके अलावा साबुन और अपमार्जक, ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट, इनको बनाने के काम में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड काम में लेते हैं। इसके अलावा कागज और कृत्रिम फाइबर बनाने के तौर पर इनको काम में लिया जाता है। एक बार हम शॉर्टली रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या काम में आता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी मशीनरी वगैरह जो भी धातु है उनके ऊपर ग्रीस लग जाती है, तो उन ग्रीस को हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को काम में लिया जाता है। दूसरा हमारा जो उपयोग है, साबुन और अपमार्जक बनाने के काम में लिया जाता है। तीसरा जो हमारा उपयोग है वो है कागज़ और कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए के तौर पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रयुक्त होता है। बच्चों, आप सभी लोगों ने ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो देखने के बाद आपको ये काम तो करना ही है, इन प्रश्नों को याद करना अच्छे से, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो 100% इस पर कमेंट करें, अपना नाम लिखें और आप किस स्कूल से हैं, अपनी जगह का भी नाम लिखें।